सो गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू आवर चैनल। सो गणपति फेस्टिवल इज़ अराउंड द कॉर्नर एंड हमें गणपति के लिए आज जो है डेकोरेशन वगैरह उसकी तैयारी करनी है। तो इस बार मैंने गणपति फेस्टिवल के लिए एक थीम डिसाइड की है, क्योंकि मेरा प्लान था कि इस बार मैं प्रेगनेंसी में कुछ अच्छा सा डेकोरेशन कर लूँ, क्योंकि नेक्स्ट ईयर बेबी आने के बाद आई डोंट नो कितना पॉसिबल हो पाएगा। तो मैंने एक बहुत अच्छी सी थीम डिसाइड की है, उस थीम में हमने थोड़े से कुछ चेंजेस वगैरह भी किए हैं। तो मैं आप लोगों को वो थीम दिखाती हूँ कि हमने क्या डिसाइड किया है। सो मैंने कुछ इस तरीके का डेकोरेशन करने के लिए डिसाइड किया है। इसमें हमने थोड़े से कुछ चेंजेस वगैरह किए हैं, लाइक हमने जो इसमें क्लॉथ है उसके कलर वगैरह में थोड़े से चेंजेस किए हैं। इसको बनाने के लिए मैंने अमेजन से एक स्टैंड जैसी चीज़ ऑर्डर की है, तो वो आ जाने वाली है। मैं उसका वेट कर रही हूँ कि वो आ जाए, उसको मैं देख लूँ कि वो कैसा है। अदरवाइज़ हमें लोकल मार्केट में जाके कुछ सर्च करके लाना पड़ेगा। आई एम वेटिंग फॉर दैट। वो जैसे ही आ जाता है तो मैं आप लोगों को उसे दिखाती हूँ, एंड उसके बाद हम जो डेकोरेशन उसकी तैयारी कर लेंगे, क्योंकि आज वीकेंड है। सो आई एम थिंकिंग कि हम वीकेंड पर ही ऑलमोस्ट सारी तैयारी करके रख लें, क्योंकि कल फिर ऑफिस वगैरह रहेगा तो इतना टाइम नहीं मिल पाएगा। तो चलो फटाफट से दिन की शुरुआत करते हैं। कुछ ब्रेकफास्ट वगैरह बना लेती हूँ, और उसके बाद हम जो गणपति का डेकोरेशन है उसकी जो मेन थीम वगैरह है उसकी सारी प्लानिंग करके एंड पूरा डेकोरेशन कर लेंगे। मैं सोच रही हूँ कि जितना हो सके आज के आज मैं काम निपटा लूँ, बिकॉज आई यू ऑल नो कि आई एम प्रेगनेंट। तो मुझे बहुत ज़्यादा एग्जर्शन भी नहीं लेना है बॉडी पे, ताकि मैं थक जाऊँ। तो मुझे धीरे धीरे सारे काम करने हैं, तो मैं सोच रही हूँ कि दिन में थोड़ा थोड़ा बैठ के आराम से मैं अपने सारे काम निपटाती जाऊँ, ताकि जो रात तक है ना हमारा जो ऑलमोस्ट डेकोरेशन का में वो पूरा रेडी हो जाए। सो दिस इज़ द प्लेस इन आर हॉल जहाँ पे हम गणपति स्थापना करने वाले हैं। तो ये एक पूरा सेपरेट वॉल है, तो हमने सोचा कि यहाँ पे अच्छे से डेकोरेशन भी हो जाएगा एंड ये पूरा एक सेपरेट जगह हो जाएगी गणपति जी के लिए। तो हम ये वाली वॉल पे ही पूरा अपना डेकोरेशन का सेटअप जो है वो लगाने वाले हैं। तो फाइनली आफ्टर अ लॉन्ग वेट टाइम मेरा अमेज़न का जो पार्सल था वो डिलीवर हो गया है, एंड ये बहुत बड़े से बॉक्स में आया है एंड बहुत ज़्यादा हैवी भी है। तो चलो मैं इसे फटाफट से ओपन करके आप लोगों को दिखाती हूँ। इसमें इस तरीके के नट्स एंड ये स्क्रू है इसे सेट करने के लिए। तो मैं आ गई हूँ हॉल में। यहाँ पे मैंने सारे जो रॉड्स हैं एंड उसके सेट करने के लिए जो स्क्रूज़ हैं वो ले लिए हैं, एंड अब इसे हम फटाफट से इस तरीके से लगा के मेरा जो स्टैंड बनाना है मुझे गणपति के लिए, पहले मैं उसको रेडी कर लूँगी फटाफट से। तो अभी हमने इस तरीके से ना ये चार स्टिक्स बना के जो चार को हमें पिलर लगने वाले वो हमने रेडी कर लिए हैं ऐसे। एंड अभी इसके बाद जो बाकी के पार्टीशन लगने वाले हैं वी विल रेडी दैट। एंड ये सारे स्क्रू हैं जिसका यूज़ करके हम सारे जो स्टिक्स हैं वो रेडी करने वाले हैं। तो ये हमारा स्टैंड फाइनली रेडी हो गया है। तो हमने जिस तरीके से प्लान किया था वैसा ये बन गया फाइनली। हमने सामने के साइड में इधर पे रॉड नहीं लगाई है ताकि किसी का पैर वगैरह स्टक ना हो गलती से भी। तो ये फाइनली रेडी है। अब इसमें आगे का जो डेकोरेशन है वो हम करने वाले हैं। आप लोगों को ना जो हमने सारा डेकोरेशन के लिए सामान लाया वो सब दिखा देती हूँ। तो ये पूरे पैकेट में सारा सामान ला के रखा हुआ है। तो ये कर्टन है नेट के जो हम फ्रंट में एंड साइड्स में लगाने वाले हैं। मैंने जो आप लोगों को थीम दिखाया था उसमें पूरा पिंक कलर था, बट हमने यहाँ पे मल्टी कलर वाला यूज़ किया क्योंकि ये काफ़ी अच्छा लग रहा था। ये एक वाइट क्लॉथ भी है, ये भी पूरा नेट का है, जिस तरीके से इसमें कुछ शिमरी काइंड ऑफ वर्क है। तो ये वाला हम बैक पे लगाने वाले हैं। देन ये कुछ इस तरीके से घंटियाँ वगैरह हैं, तो ये सिल्वर एंड गोल्डन दोनों कलर में ले ली हमने, जो भी अच्छी लगेगी वो हम इसको लगा देंगे इसमें। देन ये कुछ और डेकोरेशन का सामान है, ये भी यहाँ पे इसके एंड में यहाँ पे गणपति हैं, देन एंड में इसमें भी इस तरीके से घंटी वगैरह है, एंड ये पूरा फ्लावर के साथ में है, तो इसको हम फ्रंट वगैरह में कुछ लगाने का सोच रहे हैं। एंड देन हमारे पास बहुत सारे ये बीड्स हैं,
जो अगेन सिल्वर एंड गोल्डन दोनों कलर में हमने लिए हुए हैं, तो इसको हम कर्टन वगैरह बांधने के लिए एंड पीछे साइड में थोड़ा सा डेकोरेट करने के लिए यूज़ करेंगे। एंड ये मल्टी कलर में फ्लावर्स हैं, तो जो हम मैंने आपको थीम दिखाई थी उसमें सामने जो पिंक कलर के फ्लावर थे, तो उसकी जगह पे हम ये इस तरीके के कलर वाले फ्लावर्स का ये पूरा एक बंच ऐसा है बड़ा सा वो लगाएंगे। ये इस तरीके से पत्ते वगैरह हैं, इसको भी हम साइड में लटका सकते हैं या तो फिर हम फ्रंट में इसे कर्टन के साथ में लटकाएंगे। जो पूरा डेकोरेशन हो जाएगा तभी हम उस करते करते फाइनल डिसाइड करेंगे कि कौन सी चीज़ को कहाँ पर यूज़ करने वाले हैं हम। तो कई दिन में हमने डेकोरेशन आधा करके छोड़ दिया था, मैंने ब्रेक ले लिया था क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा थक गई थी, मुझे बॉडी में बहुत ज़्यादा एकदम थकान थकान लग रही थी। मेरा इतना एक साथ काम करना पॉसिबल नहीं है अभी इस कंडीशन में, तो मैंने ब्रेक ले लिया था। हम थोड़ी देर के लिए सो गए थे, तो अभी मैं वापस होके उठ गई हूँ। अभी मैं फटाफट से कुछ थोड़ा सा खा लेती हल्का फुल्का, क्योंकि मुझे थोड़ी थोड़ी सी भूख लग रही है। उसके बाद हम वापस से अपना डेकोरेशन जो है वो कंटिन्यू करने वाले हैं। ये मेरे पास नेट की सारी है जो मैंने लास्ट ईयर परचेज़ की थी कनोपी बनाने के लिए, तो इसे मैं ना टेबल के चारों साइड में सामने की साइड में लगाने वाली हूँ, तो ये इससे टेबल का जो लुक वगैरह है वो अच्छे से आ जाएगा। इसके साथ में ये है मेरे पास टेबल क्लॉथ, ये भी सेम वाइट कलर में नेट का है, तो इसे हम टेबल के ऊपर डालने के लिए यूज़ करने वाले हैं। दिस इज दी फाइनल लुक ऑफ आर गणपति डेकोरेशन। आई एम अटैचिंग दी रेफरेंस पिक ऑल्सो हेयर, सो डू लेट मी इन दी कॉमेंट सेक्शन कि हम ऐसा डेकोरेशन कर पाए या नहीं, ये डेकोरेशन उससे अच्छा है बुरा है या उसके इक्विवेलेंट है। सो दिस इज दी फाइनल डेकोरेशन, बहुत मेहनत लगी इसे करने में। मैंने जो वीडियो पूरा है वो दो दिन में शूट किया है, सो आई रियली लाइक इट। मैंने जैसा एक्सपेक्ट किया था ये वैसा हो गया है मेरे अकॉर्डिंग। सो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन डू लाइक दिस वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। सो वी विल सून मीट यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए कीप वॉचिंग माय चैनल। बाय।